This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। मोदी सरकार के हर गांव में बिजली के दावे की मीडिया ने खोली पोल। मोदी सरकार ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के तहत बताया गया कि मणिपुर के एक आखिरी बचे गांव को पावर ग्रिड से जोड़ने के साथ ही देश के सभी गाँवों में बिजली पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने इस उपलब्धि के लिए तेजी से बधाइयां देनी भी शुरू कर दी। बिहार के एक गांव में मीडिया ने इस बात का रियलिटी चेक किया। इस रियलिटी चेक के सामने आया कि राजधानी पटना से कुछ ही किलोमीटर दूर के गांवों में बिजली पहुंचने के बावजूद लोग रोशनी के लिए लालटेन पर निर्भर हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर यह साफ हो गया, अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां कागजों पर तो बिजली पहुंच गई है लेकिन वहां बिजली सप्लाई की कोई व्यवस्था है ही नहीं। केंद्र सरकार से पहले पिछले साल दिसंबर में नीतीश सरकार ने इस बात का दावा किया था कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। राजधानी पटना से 15 किलोमीटर दूर गंगा के आसपास के गांवों में बिजली सप्लाई का कोई नामो निशान तक नहीं है। पिछले साल माधोपुर गांव के लोग पहली बार बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर देख के काफी उत्साहित भी हुए थे। इसके बाद ही जल्दी से फीडर से जोड़कर उद्घाटन का वक्त निर्धारित कर दिया गया। इलाके के सांसद रामकृपाल यादव और दानापुर के विधायक आशा देवी ने बटन दबाकर बिजली का बल्ब जलाया और बड़े उत्साह से गांव की बिजली शुरू की गई। लेकिन गांव वालों को यह खुशी सिर्फ 4 घंटे के लिए ही थी। गांव के एक शख्स प्रमोद कुमार ने बताया कि नेताओं के जाते ही बिजली चली गई। प्रमोद की बीवी सोनिया ने बताया कि उस उद्घाटन के बाद कोई नहीं आया और हमें अंधेरे में ही छोड़ दिया गया। माधोपुर गाँव की तरह पटना से 175 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण जिले में 22 गाँवों को अभी तक बिजली सप्लाई के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जोड़ा गया है। बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर का गांव में नामो निशान तक नहीं है। हालांकि कुछ परिवारों ने बिजली के लिए खुद से सोलर पैनल खरीदे हैं। चंपारण के रामनगर ब्लॉक में पड़ने वाले गोबरिहिया, समरहनी, नौरंगिया, धोगनी और गर्दी समेत कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली दूर का सपना है क्योंकि वहाँ बिजली कनेक्शन या कोई और इंतजामों का नामो निशान तक नहीं है। कुछ गाँवों में बिजली के खंभे तो लगा दिए गए हैं लेकिन केबल बिछाए नहीं गए हैं। सरकार के सोलर पैनल मुहैया कराने वाली योजना भी फेल है क्योंकि बैटरी इंस्टॉल नहीं की गई है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर दूर मिस रौलिया के गांव के लोगों ने बताया कि बिजली कनेक्शन के नाम पर कुछ बिजली अधिकारियों ने हर परिवार से 2-2 हजार रुपए भी वसूले लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई। बिजली के खंभे तो लगे हैं लेकिन केबल गायब है, कोई ट्रांसफार्मर भी नहीं है। हालांकि कुछ घरों में पैसे के बदले मीटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और तो और बिजली के बिना ही एक फिक्स अमाउंट का बिल भी आने लगा है। इस गांव में करीब 4000 लोग रहते हैं और 1900 वोटर्स भी हैं। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार अक्सर इस इलाके में आते हैं क्योंकि यहां के अधिकतर परिवार नीतीश कुमार की तरह कुर्मी समाज से ही आते हैं। गाँव में रहने वाले पप्पू पटेल ने बताया, गाँव की लगभग 250 परिवारों ने 5 साल पहले बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था लेकिन अभी भी हमारी किस्मत में लालटेन ही है। ऊपर से बिजली आए बिना ही बिजली का बिल भेजकर सरकार हमारा मजाक बना रही है। हमने शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। माधेपुर से मिसरौलिया गांव तक लोग हम भी बिजली और केरोसिन ही कम से माधेपुर से मिसरौलिया गांव तक लोग अब भी बिजली और केरोसिन की कम उपलब्धता से परेशान हैं। मिसरौलिया गाँव के ललन कुमार ने कहा, पहले हमें 3 लीटर केरोसिन मिलता था चूँकि मेरे गाँव के कागजों पर बिजली पहुँच गई थी, अब तो केवल 1.5 लीटर केरोसिन ही मिलता है। गांवों में लोग रोशनी के लिए लालटेन और स्टोव के लिए केरोसिन पर निर्भर रहते हैं।